आज मैं आपके लिए एक ओट्स उत्पम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी क्विक इंस्टेंट ओट, 1 छोटी कटोरी दही, चॉप की हुई वेजिटेबल्स, इसमें मैंने पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लिया है। आपके पास जो सब्जियां अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़े करी पत्ते, 3 हरी मिर्च कटी हुई और थोड़े मसाले, इसमें नमक, मस्टर्ड सीड और काली मिर्च। सबसे पहले हम ओट्स को भून लेंगे। फ्रेंड, ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब वो फूड होता है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होते हैं। इसके अलावा ओट्स में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी, फाइबर, विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। वैसे तो हम ओट्स को हर किसी भी तरह से खा सकते हैं, पर आज जो मैं आपके सामने रेसिपी लेके आई हूँ ओट्स उत्पम की, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ओट्स से बनी है। ओट्स एक लो ग्लाइसेमिक फूड होता है जो कि डायबिटीज़ और अन्य डिसीज़ में भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है खाने के लिए। आप इसे वेट लॉस और डाइट में भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं। मुझे इसको भूनते हुए 7 मिनट हो गए हैं, अब ये भून गया है। हमारे ओट्स रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डाल के इसका एक पाउडर बना लेंगे। बारीक पाउडर हो गया, इसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम अपने ओट्स के पाउडर में सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कट कर्ड डालने के बाद इसमें पानी डाल के हम एक इसका बैटर बना लेंगे। इस बैटर को हमें इतना पतला रखना है, देखिए फ्रेंड्स। अब हम एक तड़का पैन में थोड़ा घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड डालेंगे। मस्टर्ड सीड क्रैकल हो गए हैं, अब इसमें अपनी करी लीव्स डाल देंगे, ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे और इनको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इस चॉप को अपने बैटर में मिक्स कर देंगे। के बाद अपने बैटर को एक अच्छा मिक्स देंगे। हमारा ये उत्पम का बैटर रेडी है। चलिए अब हम अपना उत्पम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसको थोड़ा ऑयल डालेंगे उस पर। ऐसे ही मैं बना रही हूँ, आप किसी और भी ऑयल में से बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अपनी चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स डालने के बाद इसको आप वेजिटेबल्स को हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दीजिए। इसके बाद इस पे हम हल्का सा सॉल्ट और हल्की सी काली मिर्च। स्प्रिंकल करके 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। फ्रेंड्स, इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसे थोड़ा टाइम देके सेकिएगा। ये हमारा एक साइड से सिक गया, हम इसे फ्लिप करके दूसरी साइड से सेकेंगे। इसको सेकने में 7 मिनट लग गए हैं। हमारा ओट्स उत्तम रेडी है।